Hi, good morning. Okay, how are you guys? I'm fine. जिमनाजी फिटनेस सेंटर में जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने GST का पैसा नहीं दिया है। एक स्पॉन्सर ने तो अपनी कमिटमेंट का पैसा भी अभी तक रिलीज़ नहीं किया। आई डोंट वॉन्ट टू गिव दैम पब्लिसिटी बाई नेमिंग दैम अगैन एंड अगैन, मगर एक जो स्पॉन्सर है वो बार बार टैक्स इनवॉइस मांग रहा है। सो आई चेक विद माई CA कि क्या टैक्स इनवॉइस है। सो दे सेड दैट दे हैव नॉट गिवन अस मनी फॉर GST, और टैक्स इनवॉइस देने के बाद ही हमने पैसा लिया उनसे बिकॉज उन्होंने रिलीज़ किया। तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टेक्निकल लोगों के पास है, चाहे वो आपके मोबाइल की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो डॉक्टर की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो लैब रिपोर्ट की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो। तो आपको एज आम आदमी इन भारत बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बिकॉज पोस्ट कोविड आपने रियलाइज़ किया है कि कैसे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती हैं। तो अभी मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा चीज़ें डालती नहीं हूँ, ओनली जब मैं फंस जाती हूँ और मेरा हस्बैंड मुझे जवाब नहीं देता और मुझे कंपनी के अकाउंट से सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं कुछ गलत करना इंटेंशनली। अब अगर मेरा हस्बैंड मेरे पे चिल्लाएगा कि तूने मेरा ये स्टोरी क्यों डाला या वो स्टोरी क्यों डाला, तो मैं स्टोरी डिलीट कर दूँगी। बिकॉज़ क्या हो रहा है, उसको उसके स्पॉन्सर्स बार बार कहते हैं कि पायल रूड है, पायल एग्रेसिव है। तो पायल तो किसी से बात नहीं करती। अब पायल को कंपनी के थ्रू GST भरना है, सब कुछ भरना है, तो पायल खाली सवाल करती है। अब पायल अगर सवाल करती है तो जवाब नहीं मिलता संग्राम से, तो फिर पायल को सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ता है। फिर अगर मेरे हस्बैंड मेरे पे चिल्लाएंगे तो मैं डिलीट कर दूंगी, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। सामने से लोग उसको बोलते हैं कि पायल बहुत रूड है, एग्रेसिव है, क्योंकि पायल क्वेश्चंस पूछती है, प्रोफेशनल है। ठीक है, ओके। तो लाइफ में जैसे लैपटॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, मोबाइल के बारे में आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्या होता है, जैक ऑफ ऑल मास्टर्स ऑफ नन भी नहीं हो सकते ना। आपको खाली एक अवेयर इंसान बनना है। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू। बट जो स्किल्ड लेबर है उसकी टेक्निकल नॉलेज वो स्किल्ड लेबर को पता है या स्किल्ड टेक्नीशियन को पता है, मगर जब आप वो स्किल टेक्नीशियन के साथ डील करते हो तो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ अ ह्यूमन, वो हर बार सेम तरीके से एफिशिएंसी यू नो डिपिक्ट करेंगे। सो एज अवेयर भारतीय यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू कॉल इट ऑफ, व्हेन टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब एप्पल के शोरूम में वो लोग कह रहे हैं कि वो 2 घंटे में स्क्रीन चेंज कर देंगे, मगर वो हमको अंदर नहीं आने दे रहे जहाँ पे स्क्रीन चेंज होगा। सो वो कह रहे थे कि हम यू नो फॉर्मेट कर देंगे सारा डेटा। कैसे फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि जब मैंने वो मैक मास्टर के इंटरेक्शन में सुना तो उन्होंने मुझे बोला था कि डेटा फॉर्मेट नहीं होगा, क्योंकि खाली स्क्रीन ही चेंज होगा। मगर मैं जब मैक के शोरूम पे गई तब एप्पल वाले, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो स्क्रीन को सेट करने के लिए डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। डेटा मदरबोर्ड में है तो डेटा को तो फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट उन्होंने वो एक थॉट डाल दिया। तो अब मैं देखती हूँ कि क्योंकि मैं भी जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने स्पोर्ट्स के बारे में है, मैं बाकी सब चीज़ों की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, मगर फ़ोन है, वर्स्ट कम टू वर्स्ट डेटा का है। तो मैं देखती हूँ डेटा को कहाँ बैकअप करना है, क्योंकि मुझे बोला गया है कि डेटा हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद स्क्रीन चेंज। या बट इफ़ मैक का रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिफिकली अ गर्ल इज सेइंग दैट स्क्रीन को सेट करने के लिए डेटा विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड और फॉर्मेट करना पड़ेगा, देन दैट इज़ नॉट करेक्ट। या संग्राम, वो मैक के शोरूम में कल आप मेरे साथ गए थे, ठीक है, आई एम जस्ट रिपीटिंग द इन्फॉर्मेशन दैट वॉज गिवन टू मी इन फ्रंट ऑफ यू। वो लड़की ने बोला था कि स्क्रीन को सेट करते वक्त हम अगर होगा तो आपका डेटा फॉर्मेट करेंगे। उसने बोला था कि नहीं बोला था? उसने बोला था कि कुछ परसेंट संभावना है कि डेटा खराब हो सकता है, नहीं तो डेटा खराब होगा नहीं।
कुछ परसेंट संभावना नहीं होती, डेटा कुछ परसेंट खराब नहीं होता, या तो उनको पूरा फोन फॉर्मेट करना पड़ेगा, या तो डेटा जो मदरबोर्ड में है उसका कोई कनेक्शन नहीं है स्क्रीन चेंजिंग के साथ, तो स्क्रीन चेंज कर रहे हैं, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, हम पानी पी रहे हैं, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद वॉचिंग टीवी। डू यू अंडरस्टैंड, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम एक ही घर में हैं, पानी पी रहे हैं, दैट हैज गॉट एन इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ आर्स, मगर पानी पीना हैज गॉट नो इफेक्ट ऑन द टीवी। डू यू अंडरस्टैंड, मगर हम हैं सब एक ही घर के अंदर। सो लड़की का कहना कि मैं स्क्रीन चेंज कर रही हूं, आप 2 घंटा बैठिए, मेरे पास स्क्रीन है, तो स्क्रीन तो हम वो दुकान पे बैठे तो स्क्रीन तो आपका आधे घंटे में चेंज हो सकता है, आपने बैठे थे ना, आप आए, मैं बैठी थी वहां पे, आधे घंटे में चेंज हो सकता है, मगर स्क्रीन को सेट करने के लिए डेटा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेटा मदरबोर्ड में है, और अगर डेटा उनको फॉर्मेट करना है तो डेटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो डेटा ट्रांसफर वो मैक मास्टर्स करेगा जिसके दुकान पे मैं गई थी, क्योंकि एप्पल वाले डेटा ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो यहां पर डिस्क्रिपेंसी है इंफॉर्मेशन के बारे में, तो मैं चिल्ला नहीं रही हूं, मैं आपको समझा रही हूं, इंफॉर्मेशन में डिस्क्रिपेंसी है, और हमारे पास वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ना तुम ना मैं एप्पल के शोरूम में काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं। मैं बात कर लूंगा तो वो मैक, उससे बात कर लो मैक वाले मास्टर्स से, अगर वो बैकअप करता है तो पहले मुझे बैकअप करवाना पड़ेगा, फिर मैं शोरूम में जाऊंगी, और अगर तुम बिजी हो तो फिर मैं ड्राइवर बुला के करूंगी। मुझे या तो वो हेमंत का नंबर दे दो, अगर तुम वो फोटोग्राफ अपलोड नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं उसको सारी डिटेल्स भेज दूं। कौन हेमंत? डीआईजी। अभी नहीं, 2-4 दिन बाद इलेक्शन काउंटिंग। हाँ, तो मुझे खाली इन्फॉर्मेशन मेरी कंपनी की भेजनी है ना। ठीक है, तो मुझे नंबर तो दे सकते हो ना, वरना उसमें भी दिक्कत है, उसने मुझसे पूछा था सब हेल्दी हसल का सब इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दो, नहीं नंबर व्हाट्सएप कर दो, आओ ना, बताओ ना, इधर आओ, नहीं नहीं इधर आओ ना, तुम ही मुझे कह रहे हो ना, तो बताओ मुझे, तुम ही मुझे अपनी इंटेलिजेंस, ये आया है, ये गलत किया है, इसको फ्लैट कवर करना चाहिए था, नहीं हवा से नहीं उड़ेगा क्योंकि दूसरे साइड फ्लैट कवर किया है, तो तुम लोगों को जब बुद्धि नहीं है ना तो बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, तो बुद्धि आप में, यहाँ से पानी आएगा मगर यहाँ से पानी नहीं आएगा, ये जो पूरा खुला रखा है वहां से पानी नहीं आएगा, यहां से ये कोने में से पानी गिरेगा मगर ये जो पूरा खुला रखा है वहां से पानी नहीं गिरेगा, मतलब बेवकूफ लोगों के सर के ऊपर सिंग नहीं होता, वो बस पैदा होते एक दूसरे के साथ ब्रो कोड की बातें करते हुए। ये बेवकूफ सोसाइटी वालों ने ये पूरा खुला रखा है तो पानी तो घुसेगा ही ना पाइप के अंदर, ये पूरा का पूरा फ्लैट करना चाहिए था, फ्लैट किया नहीं, मगर संग्राम को बोल रहे हैं कि यहाँ से पानी जाएगा बेवकूफों की तरह, मगर यहाँ से पानी नहीं जाएगा क्या? तो या तो फ्लैट होना चाहिए था, ये पूरा फ्लैट होना चाहिए था जैसे मैंने पहले बोला था, ये जो झोपड़ी बनाई है ना, ये झोपड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, पूरा का पूरा फ्लैट होना चाहिए था, यहाँ पे भी फ्लैट होना चाहिए था, और पाइप्स जो निकल रही हैं ये पाइप्स के होल्स ड्रिल करने होने चाहिए थे पॉलीकार्बोनेट के शीट के अंदर, सो दैट पाइप्स का जो भी एयर है वो बाहर निकल जाए मगर शीट के अंदर होल ड्रिल हो। ये प्योदा ताजमहल बनाया हुआ है, अक्कल तो है नहीं।